हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं हूँ घर पे। शादी हमारी निपट चुकी है, बट मैं शादी का ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि अपनी शादी में बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बट मैंने हल्दी में थोड़ा बहुत शूट करा है, मैं उसको अपलोड कर दूँगी। और आगे का मैं उससे लूँगी जो हमारे घर पर वो नहीं होते हैं वीडियो कैमरे वाले, उनसे लेके मैं। एंड शादी बहुत अच्छे से निपटी, पर घर बहुत सुना लग रहा है क्योंकि सब लोग चले गए हैं। बहुत सुना लग रहा है, मेरी बेटी भी चली गई है त्रिशू, एंड मेरी दीदी लोग सबके सब चले गए हैं। बहुत सुना लग रहा है घर पे, मन सा नहीं लग रहा है क्योंकि होता है ना शादी के कुछ दिन पहले नाच गाना वगैरह सब आ जाते हैं, तो सही लगता है क्योंकि जब सारे लोग साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट अभी सब चले गए हैं तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि कल खाली खाली सा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। एंड शादी की हाईलाइट में वीडियो कैमरे वाले से लूँगी, फिर मैं यूट्यूब पे अपने डाल दूँगी क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना है ना कि हमारे घर पे शादी कैसी हुई है। बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे से निपटी है, सब कुछ मतलब बहुत सही हुआ है। और आज सबसे बड़ी बात, मेरी बहन आ रही है ससुराल से पहली बार हमारे घर पर। होता है ना कि शादी के बाद पहली बार आए तो अच्छा लगता है। पहले मैं उसके साथ बहुत झगड़ती थी, बहुत ज़्यादा, बट अब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, सच्ची में आ रही है। पहले मैं उसको इतना मारती थी, वो भी मुझे मारती थी। मतलब जो भी चीज़ें हैं बहुत होती है बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, बट जब दूर हो जाते हैं तब बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको कभी कॉल नहीं करती थी, बट मैं अब उसे रोज़ कॉल करती कि तो क्या कर रही है, कैसा है, वहाँ पर सब सही है, मतलब जो भी होता है उससे सारी बात करती हूँ। पहले मैं वो कहीं पे भी होती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, चल ठीक है वो यहीं है, मतलब होता है ना मन में कि अभी वो यहीं है तो कुछ नहीं होगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, वो तो चली गई है ससुराल, कैसे होगी वहाँ पे, कैसा होगा। नई फैमिली में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, नए लोग होते हैं, अलग अलग लोग बातें करते हैं, जितने लोग होंगे उतनी बातें होगी तो उनके साथ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो तो बहुत जल्दी मिल लेती है सबसे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, बट मैं नहीं मिल पाती क्योंकि मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है किसी इंसान के साथ घुलने मिलने में। बट और सभी हमारे घर पे ऐसे हैं कि जल्दी से घुल मिल जाते हैं, बट मैं नहीं घुल पाती। और मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, और मैंने अपनी बहन को कभी ब्लॉग में नहीं लिया, वैसे लिया है फर्स्ट ब्लॉग में, मेरी बहन मेरे साथ थी। एंड बहुत सारों में है बट उतना नहीं है, बट मैं उसे आज सही से दिखाऊँगी क्योंकि आज उसी को दिखाना है मुझे। वो इसकी मुझे बहुत याद आती है, सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा याद आती है। होता है ना पहले झगड़ा होता है, फिर एकदम से दूर चले जाओ, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उसकी शादी में रोऊंगी, उसकी विदाई के टाइम पे मैं इतना रोई हूँ, मुझे पता है मैं कितना रोई हूँ। और पहले मैं सोचती थी ठीक है चली जाइए तो बढ़िया है, मेरा क्या है, मेरा तो सही है, मैं क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ अपने पापा की, तो सारी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी सब मुझे ही मतलब मिलती है। कपड़े मेरे लिए आएंगे, वो सब मतलब अब मैं ही बाकी हूँ, और तो कोई है नहीं। मेरा छोटा भाई है तो पता है लड़कों को उतना नहीं होता जितना लड़कियों को चाहिए होता है। फिर सारे तो मतलब मज़े मेरे हैं, एक चीज़ के तो है, ये तो है कि अब बहन चली गई है, वरना पहले उसको दिया जाता था, फिर जब कुछ बचता उसके बाद मुझे मिलता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब मैं बस मैं ही हूँ तो अब मुझे सब चीज़ मुझे ही मिलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, बट इस बात का बुरा लग रहा है, कोई नहीं, अगर वो होती तो हम मिलजुल के पहन लेते, बट अब वो चली गई है तो बुरा बहुत लग रहा है। बट मैंने कभी सोचा नहीं था मैं उसकी शादी में इतना रोऊंगी, इतना उसकी शादी में मैं इतना रोई, मुझे खुद पे यकीन नहीं आया, मैं ही रो रही हूँ कि कोई और है। बट कोई नहीं, वो आज आ रही है, मैं अपने जीजा से भी आपको मिलवाऊंगी, एंड उससे तो खैर मिलवाना ही है, उसका वेट करती हूँ मैं सुबह से, बट अभी तक पहुँची नहीं है, पहुँचने वाली है वैसे। और हाँ, हमारे गांव में क्या, कुछ दिनों बाद मेला होने वाला है, हमारे गांव के नज़दीक ही है, हमारे गांव के नीचे है ना, फिर वहां पे मेला होने वाला है, वहां पे हमारे नाग देवता की डोली निकलेगी, फिर वही नाग देवता की डोली हमारे गांव में भी आएगी। मैं तब मैं ब्लॉग बनाऊंगी अपना, क्योंकि यहाँ पर इतना मज़ा आता है, 3 दिन यहाँ पर रहते हैं हमारे नाग देवता जी, तो फिर जब वो यहाँ पर रहेंगे तो मैं ब्लॉग तो मैं अपलोड करूँगी ही, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है कुछ दिनों बाद। तो सोच रही हूँ जल्दी से आ जाए। वैसे ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी बहन की शादी की वेट कर रही थी कब से, 1 साल 2 साल से मैं बोल रही थी कब होगी, अब जब हो गई है तो पता ही नहीं चला कि शादी कब हुई। सो गाइस, तो आप सबको बताना था कि मेरी बहन की शादी कैसे रही। तो मेरी बहन की शादी बहुत सही से निपटी है, बहुत अच्छे से, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट मैं हाईलाइट को अपलोड कर दूँगी, फिर आप देखना कि कैसी मेरी बहन की शादी रही। उसके पास मुझे पहले जाना पड़ेगा, फिर मैं अपलोड करूँगी। हल्दी का मेरे पास है, हल्दी का तो मैं पहले ही कर दूँगी,
टाइम नहीं लगा यार, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं सब लोग मैसेज कर रहे थे कि दीदी आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया। बट मैं क्या करूँ, मैं बनाना चाहती थी बट मैं बना नहीं पाई। बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने नहीं बनाया। मैं सोच रही थी कि काश मैं, मतलब वो चीज़ तो मैं लूँगी, ऐसी बात नहीं है, मैं ब्लॉग डालूँगी शादी का, बट उतना नहीं ना कि मैं दिख पाऊँ ये। बट जितना भी यहाँ पे रीति रिवाज होता है, किस हिसाब से हमारे यहाँ पे शादी होती है, उससे लेके मैं वीडियो पक्का अपलोड कर दूँगी। स्पेशली कामनी नाम है, उसका मुझे मैसेज आया था पर्सनली कि आप अपलोड कर दो, हम वेट कर रहे थे आपके ब्लॉग का, हम देखना चाहते थे कि आपकी बहन की शादी कैसी रही। तो मैं कामनी मैं ब्लॉग अपलोड कर दूँगी उससे लेके, एंड तब तक जब तक मेरी बहन आती है, थोड़ा बहुत सफाई वफाई करनी है, वो करके मैं फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय। सो गाइस, फाइनली मेरी बहन घर आ चुकी है, तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, बहुत सुंदर लग रही है वो। मेरे जीजा भी पहुँच चुके हैं। और मेरी बहन घर पे पहुँच चुकी है, बहुत सुंदर दिख रही है। जीजा जी, मेरी बहन बोल गई, वही तो मैं बोलूंगी। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहन, हमारे मामा जी है। और मैं क्या दे, तो आपका वेट खत्म हो चुका है, मैंने बोला था जैसे ही मेरी बहन आएगी मैं आपको मिलवाऊंगी। और मेरी बहन घर पहुंच चुकी है, थोड़ा पूरे गेटअप मेरे में दिखाती हूँ। तो लंबा कर दिखा ना, पीछे से दिखा, पूरे गेटअप में। ये फिर की बाल बन के आ चुके हैं यहां। हमारे गढ़वाल में कैसे नथ पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं नथ। ये नथ है, ये मांग टीका, सब सोने का पहनते हैं हम, नकली नहीं है, असली है। बहुत अमीर है हम, रॉयल। मेरी मम्मी है। सो गाइस, तो अगर मैं आगे बना पाऊंगी तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वैसे मेरी हिम्मत नहीं आगे बढ़ाने की, तो मैं कल मिलती हूँ आपको। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई शुरुआत के साथ।